अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गुमशुदा मोबाइल को कैसे तलाश कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है या आपका मोबाइल आपसे गिर गया है तो कैसे आप अपने मोबाइल को ट्रेस करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे मैप के ज़रिए से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्मार्टनेस ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें ताकि टेक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर आ जाना है। वेब ब्राउज़र के अंदर जब आप आएँगे तो गूगल सर्च के अंदर आप लोगों ने फाइंड माई डिवाइस लिख के सर्च कर देना है। फाइंड माई डिवाइस लिख के जब आप लोग सर्च करेंगे तो फर्स्ट पे ही फाइंड माई डिवाइस विद गूगल, ये गूगल आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है इस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इसके अंदर जब आप आएंगे यहाँ पे आपको वो ईमेल एंटर करने को बोलेगा कि जो ईमेल आप लोगों के मोबाइल के अंदर एंटर थी वो आपने ईमेल यहाँ पे एंटर करनी है। तो मैं आपको अपने मोबाइल की ईमेल एंटर करके चेक करवा देता हूँ। ईमेल एंटर मैंने कर दी है। इसके बाद वो पासवर्ड कह रहा है जी पासवर्ड एंटर करें, मैंने पासवर्ड भी इसके अंदर पासवर्ड एंटर कर दिया। इसके बाद इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। ये राइट साइड पे आप लोगों के पास मैप ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके मोबाइल की जो एग्जैक्ट करंट लोकेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो होती हुई मेरे मोबाइल की दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोग इस पे क्लिक करके आप अपने मैप के ज़रिए से इसको गेट डायरेक्शन करके यहाँ पे लोकेशन पे आप पहुँच सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपको मोबाइल का कौन सा मोबाइल है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरा मोबाइल J5 है। ये इसका जो वो बता रहा है कि ये इसकी बैटरी जो है वो 33% है। इसके साथ आपको नीचे ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ये प्ले साउंड जो है इसके ज़रिए से अगर आप अपने मोबाइल तक पहुंच गए हैं, आपको मोबाइल आपका मिल नहीं रहा, आपका मोबाइल जो है वो कहीं गिरा हुआ है या आपके मोबाइल तक आप पहुंच नहीं रहे तो आप यहां प्ले साउंड पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल की रिंग टून जो है वो ऑन कर सकते हैं। अगर आप प्ले साउंड पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल की रिंग टून ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों के पास सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन है। सिक्योर डिवाइस के अंदर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज जो है रिकवरी मैसेज कोई भी आप अपने मोबाइल के अंदर लिख के और उसको यहाँ पे फ़ोन नंबर आप एंटर करके अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। आपका मोबाइल जो है वो लॉक हो जाएगा। आपके मोबाइल पे जो नंबर आप लोगों ने एंटर करके भेजा होगा वो उस नंबर पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। आपका मोबाइल जो है वो अनलॉक नहीं होगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास रेज डिवाइस का ऑप्शन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर फ्रेंड्स आपका मोबाइल आप लोगों को नहीं मिल रहा तो इसके बाद आप लोगों का अगर उसमें डाटा है, आप चाहते हैं कि आपका डाटा उस तक ना पहुंचे, वो आपका डाटा ना देख सके, तो ये थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है ये वर्क करेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अरेज डाटा पे अगर जब आप क्लिक करेंगे, अरेज डाटा पे क्लिक करेंगे आगे वो आपसे जीमेल आईडी का पासवर्ड जो है वो मांगेगा। जीमेल की आईडी का जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे आपके मोबाइल का जो डाटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और आपकी आईडी भी जो है वो उसके अंदर से डिलीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।